हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लहराता है तिरंगा, लहराता है नील गगन में ऊंची जिसकी शान है, लहराता है नील गगन में ऊंची जिसकी शान है। महज एक झंडा नहीं, तिरंगा देश की पहचान है, तिरंगा देश की पहचान है। तो दोस्तों, भारत में हर साल 26 जनवरी को लोग गणतंत्र दिन के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्या कारण है, 26 जनवरी को क्या हुआ था, और लोग भारत में शहर हो या गांव हो या गली, हर तरफ 26 जनवरी को गणतंत्र दिन के रूप में मनाते हैं, तो इसका क्या रीज़न है, आज मैं आपको यह सब बताने वाला हूँ। क्योंकि जब भारत आज़ादी मिली थी, तब भारत में 15 अगस्त को 1947 में भारत अंग्रेज़ों के गुलाम से मुक्त हुआ था, तब 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता मिली, और उसके 3 साल बाद भारतीय संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी को गणतंत्र दिन के रूप में मनाते हैं। तो वो भारतीय संविधान भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा था, और उस संविधान लिखने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, और वो 26 नवंबर को वो संविधान तैयार हुआ। तो दोस्तों, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, और उसी दिन 26 जनवरी को भारत में संविधान लागू हुआ था। आज जो सब कुछ भारत में चलता है, वो मेरे भीम के संविधान से चलता है। तो संविधान ना होता, भीमराव आम्बेडकर ना होते, तो संविधान ना होता, संविधान ना होता तो आज गणराज्य दिन यानी 26 जनवरी नहीं होती। तो लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमां पर, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमां पर, भारत का नाम हो सबकी जुबा पर, भारत का नाम हो सबकी जुबा पर, ले लेंगे उसकी या दे देंगे अपनी जान, ले लेंगे उसकी जान या दे देंगे अपनी जान। कोई जो आँख उठाएगा हमारे हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान पर। तो दोस्तों, 26 जनवरी के दिन आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।